हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप? मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल के जो भी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज साइंस की नहीं हिंदी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कल है आपका हिंदी का एग्ज़ाम पेपर, बोर्ड पेपर है। आपने सारी प्रिपरेशन कर रखी होगी अच्छी तरह से। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चा लोगों दो मॉडल पेपर हिंदी ए के, दो मॉडल पेपर हिंदी बी के। तो आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं, आपने जो आता है ऐसे वगैरह वो आपको कंफर्म कर सकते हैं अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। होप्सो आप अच्छा करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। बच्चा लोगों, खूब सारा पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए और अच्छे मार्क्स से अपने स्कूल को, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को प्राउड फील कराइए। ओके बच्चा लोगों, तो ये है आपका पहला पेपर हिंदी के जे बी मॉडल पेपर। और बच्चा लोगों, दिस इज हिंदी बी। किसका है बच्चा लोगों? हिंदी बी। और हिंदी बी में बच्चा लोगों याद रखिए कोड 85 होता है इसका। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, बस ओके। तो ये सारे आपको कंसेप्ट बताऊँगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते जाइए और आप इन क्वेश्चंस को करें, एक रिवाइज हो जाएगा आपको, आपको सब आता है। ओके बच्चा लोगों, क्लियर? तो ये पहला आपके जो अनसीन पैसेज आते हैं वो टॉपिक्स पर क्वेश्चंस हैं, क्लियर? और आपकी प्रिपरेशन पक्का अच्छी है तो पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा हमेशा यही ट्राई है कि हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हों, अच्छे मार्क्स लेके आए आप। ओके, तो ढंग से क्वेश्चंस को कर लें, आप ग्रामर वगैरह सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो पहले हिंदी बी का एक पेपर है, फिर हिंदी ए का एक पेपर है। तो जिसके पास हिंदी बी है वो हिंदी बी का पेपर करे, हिंदी ए। ओके, क्लियर बच्चों? ये मुहावरे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आते होंगे सबको ये पैसेज बेस। क्लियर? ये देखिए आप, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं ट्राई करूँगा हर सब्जेक्ट का आपको पेपर दूँ, जिससे कि आपकी कंसेप्ट्स जो आपने रिवाइज किए हैं और ज़्यादा अच्छी हो जाए। क्लियर बच्चे लोग? और ये आपके ऐसे और ऐसे के टॉपिक्स पता चल जाते हैं पेपर से कि कौन कौन से ऐसे आने वाले हैं। ये पेपर मेरे फ्रेंड ने हैदराबाद से मुझे भेजे हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए, उसने मुझे बता दिया। ओके, तो ये था बच्चा लोगों आपका पेपर नंबर वन और हिंदी ए का, हिंदी बी का। अब हिंदी ए का पेपर है और ये उन बच्चों के लिए जिनके पास हिंदी का सिलेबस है, ए वाला पार्ट है। ओके, किन किन के पास ए है देखिए उसे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ढंग से करिए। देखिए क्वेश्चंस एमसीक्यू जाते हैं बहुत सारे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें इनके और फिर आप इन्हें कर सकते हैं।
ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। चलिए, बांस भी रहना चाहिए और बांसुरी और मार्क्स सब में अच्छे आने चाहिए आपके, बेस्ट है आप। ओके, तो पद परिचय है आपके, क्लियर। क्षितिज, कृतिका, ये बुक्स के नाम है, आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्लियर। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की और क्यों? भविष्य कौन सा है, सेट ए, पार्ट ए है, बी है, ये ऐसे आ गए बच्चा लोगों। इससे आपको क्या हो रहा है, ऐसे के टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पर ऐसे आ सकते हैं, इसलिए मैंने पेपर आपको अपने फ्रेंड से मांग के दिया हुआ है। ओके बच्चे लोगों, तो ये थे आपके अभी दो पेपर, एक पे हिंदी ए के लिए और एक हिंदी बी के लिए, नेक्स्ट पेपर है हिंदी बी के लिए बच्चे लोग। तो बच्चे लोगों, ये पेपर थर्ड और ये हिंदी बी वालों के बच्चों के लिए। तो बच्चों, हिंदी बी दो दो पेपर है, तो जिससे कि आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको ना आती हो, वैसे सारा कुछ आता होगा। ओके, अनसीन पैसेज अंडरलाइन कर लिया करें वर्ड्स को, जिससे आपको पता चल जाए कि कोई क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हुए। ये सारे आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, साइंस के पैसेज और शायद हिंदी के पैसेज में डिफरेंसेस होता होगा। और देखिए यहाँ पे आई थिंक पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड होते होंगे, वहाँ टॉपिक के कंसर्न में यानी कि क्वेश्चंस होते हैं बच्चे लोग। ओके, समास बेस्ड क्वेश्चंस हैं, समास तो आते होंगे यार, इतना तो मुझे भी आता है समास में। ओके, हवन सामग्री, जल्दी से बताइए कौन सा समास है, भयभीत का समास विग्रह। आप चाहें तो पूरे नंबर ला सकते हैं सब्जेक्ट में, द्विगी समास, बहुव्रीहि समास, क्रम धारक, कितने पुराने टाइम हो गया, सालों बीत गए जब हम खुद स्टूडेंट थे तब ये पढ़ते थे समास। मुहावरे, देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं कि मुहावरे का अर्थ और उसका मेल और विकल्प का चयन कीजिए। गणित का गृहकार करना मुझे डैश जैसा प्रतीत होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त मुहावरा चुनिए। अभी तो बहुत आसान है, सबको पता है, लोहे के चने चबाना जैसा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, नहीं लोहे के चने चबाना होगा आई थिंक सो। मालिक ने नौकर को चोरी करते, सबको आता होगा, रंगे हाथों पकड़ा है ना, तो केवल आपकी प्रैक्टिस को रीचेक करने के लिए। और ये आपका गद्य पद, आप यू नो वेरी वेल, ये मीरा कृष्ण के प्रार्थना कर रही है, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर ले, एक रिवाइज हो जाएगा आपका जो आपने प्रिपरेशन किया है, और रिलैक्स मूड में आराम से सोइए और सुबह अच्छी तरह से पेपर दे के आइए, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए, नेक्स्ट फिर साइंस में मिलेंगे आपसे ज़रूर। और ढंग से देखिए, ऐसे है कोरोना वायरस, ये लेटेस्ट टॉपिक है, तो मे भी आ सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण, लॉकडाउन के सकारात्मक इफेक्ट, बचाव के उपाय, याद आता है विद्यालय का प्रांगण, अच्छे ऐसे हैं, क्लियर। छोटी भूल का बड़ा दुष्परिणाम। चले, तो ये था हिंदी बी के लिए। अब है बच्चे लोगों हिंदी ए के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 और ये गद। गद और पद यू नो वेरी वेल, सबको पता होगा, बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है यार, रियलिटी है लाइफ की जो दिया हुआ है इसमें,
क्लियर। चलिए ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस पेपर हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को रीचेक करने के लिए ये क्वेश्चंस। अब विस्मय देवी हर्ष बोलते हैं सारे क्वेश्चन अलंकार, अब पता नहीं शायद आई थिंक बी में अलंकार से नहीं आते आई थिंक, तो मैंने कल बच्चों से पूछा था तो बता रहे थे अलंकार शायद उसमें नहीं आते बी में। ओके क्षितिज के गद पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो मेरा बस एक ही टारगेट रहा है कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो, 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th, 4 साल KGB साइंस हमेशा आपके साथ है, आपको इतना बेस्ट टारगेट पर पहुंचाने का ट्राई करता रहेगा। सोचिए साइंस पढ़ाते हैं बट फिर भी आपके लिए हम हिंदी के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, ओके, कि आपके मार्क्स हर सब्जेक्ट में हों। क्लियर बच्चों, ये खंड ख दैट इज एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक ही ज़्यादा टॉपिक तो वही है, सारा कुछ वही है। ये देखिए ऐसे हैं आप, सुशील गुप्ता, सुशीला गुप्ता है, आपने स्नातक स्तर तक अध्ययन किया, स्नातक जानते होंगे, ग्रेजुएट, आप एक समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं, भास्कर में आंगनवाड़ी में सहायिका हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ, इस पद पर नियुक्ति पाने हेतु लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त तैयार करिए, स्ववृत्त। ओके बच्चा लोग, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखी, मैसेज लिखना है जो आप बहुत लिखते हैं। तो ये थे आपके 4 पेपर, दो दो दोनों टाइप के बच्चों के लिए, खूब सारा पढ़ें, अच्छी तरह से मेहनत करें, और KGB साइंस हमेशा आपके लिए ट्राई करेगा बच्चा लोगों कि आप बेस्ट प्रिपरेशन करें। ओके बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चों लोगों, गुड नाइट।